हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का नक्शा बनाएंगे। सबसे पहले 21 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच देंगे और अब हम 12 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे जो हल्की सी टेढ़ी रहेगी। एक और 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे जो थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी रहेगी। अब हम दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे तथा 10 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर एक निशान अंकित कर देंगे। अब हम पांचों बिंदुओं को डार्क कर लेंगे। अब हम ऊपर के बिंदु से चित्र बनाना शुरू करेंगे। लाकर छोड़ देंगे तथा लाइन के बीच वाले भाग से रेखाओं को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार हम इन दोनों रेखाओं को भी आपस में मिला देंगे। अब हम ऊपर से रेखा को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब हम रेखा को बाहर की ओर निकालकर मिला देंगे। रेखा को एकाएक नीचे ले जाकर हम ऊपर की ओर उठा लेंगे। अब हम मध्य प्रदेश का उत्तर दिशा वाला भाग बनाएंगे। ऊपर की ओर ले जाकर रेखा को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब रेखा को पुनः ऊपर की ओर उठाकर पर्वताकार आकृति बनाते हुए दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे डार्क कर लूँगा तथा नाम अंकित कर दूँगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उत्तर दिशा में एक ओर राजस्थान तथा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश है तथा पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।